मराठी हिंदी सिनेमा जगत के 30 वर्ष तक अभिनय करने वाले और अपनी मूवी रिलीज़ करने का सपना देखने वाले दिग्दर्शक श्री जनार्दन पाटिल महेशकर जी का बहुचर्चित सिनेमा अशी ही बन्नाट भिंगरी जल्द ही रिलीज़ होने वाला है। उरण जैसी हरियाली और नैन रेम जगह पर इसकी शूटिंग की गई। अशी ही बन्नाट भिंगारी ये एक प्रेम कथा है। नए कलाकार प्रफुल्ल पाटिल महेशकर, अभिनेत्री आशु सूरपुर, इनकी जोड़ी इस सिनेमा का आकर्षण है। आशा है कि श्री साई समर्थन चित्र प्रस्तुत जनार्दन महेशकर निर्मित तथा संजय दिग्दर्शक कोलते की ये फिल्म बड़ी ही धमाल साबित होगी और कमाल की फिल्म बनेगी। दिग्दर्शक जनार्दन पाटिल जी का मानना है कि प्रेम कथा और गीत सभी को पसंद आते हैं। कलाकार आशु सूरपुर बचपन से होशियार थी, इनकी कलाकारी का सपना था वह भी पूरा हो गया, लेकिन इनकी मम्मी की आशा थी कि वह भी इस मूवी को देखें, लेकिन कोरोना ने यह इच्छा अधूरी ही छोड़ दी और उनकी मम्मी 2 महीने पहले चल बसी। आशु इस बात को लेकर नाराज हैं। सिनेमा में आने से पहले आशु पुडुच पाउल मराठी सीरियल में काम कर चुकी हैं। तू ही रे, मोहर, दुनिया, गेली तेल लावत जैसे मराठी सिनेमा में बड़े दिग्गज कलाकारों के साथ 9 वर्ष से काम कर रही हैं, लेकिन आज बन्नाट भिंगरी का मुख्य किरदार इन्हीं के हाथों में है। ये सिनेमा जल्द ही दर्शकों के सामने आ रहा है। आशु कहती हैं सभी मित्र परिवार के साथ इसे देखना चाहिए। ये जानकारी अखिल भारतीय मराठी चित्रपट निर्माता महामंडल के उपाध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य संपादक सुनील जी ज्ञानदेव भोसले ने फिल्म की हीरोइन आशु से गपशप करने के दौरान दी। नमस्कार, मैं एक्ट्रेस अभिनेत्री आशु सुरपुर हूँ। अभी महाराष्ट्र में जल्द से जल्द मेरा अशी ही भन्नाट भिंगरी मराठी मूवी जल्द से जल्द बहुत ही बड़े पैमाने पे पूरे महाराष्ट्र के अंदर रिलीज होने वाला है और इसके जो आप विज्ञापन जितने भी देख रहे हैं, मराठी मार्केटिंग जितने भी देख रहे हैं, वो अखिल भारतीय मराठी चित्रपट निर्माता महामंडल के उपाध्यक्ष जो है सुनील ज्ञानदेव भोसले, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि वो काफ़ी बड़े पैमाने पे मेरी मूवी की मार्केटिंग कर रहे हैं। मैं आपको आपके सामने मैं इसलिए आई हूँ कि ये मूवी बहुत ही बढ़िया है। इसमें मैंने मेन लीड हीरोइन काम किया हुआ है। मेरा जो रोल है वो काफ़ी सुंदर है। एक छोटी सी लव स्टोरी है जिसमें हमने इस लव स्टोरी के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की है कि जो भी रीति रिवाज है या जो जाति भेद है वो भूल के लवशिप एंड और सब एक्सेप्ट करना चाहिए। तो काफ़ी सारी बातें हैं इस मूवी में। बहुत ही चटपटी सी गाने इसमें हैं, प्रवीण कुंवर का संगीत है, जनार्दन मस्कर इसके निर्माते हैं और संजीव कोलते ने इसका डायरेक्शन किया हुआ है और काफ़ी काफ़ी सुंदर ऐसी लव स्टोरी इस मूवी में दिखाई गई है और ये मूवी बहुत ही अच्छा है। मैं अपने मूवी के बारे में क्या बताऊँ, मुझे तो मेरी मूवी अच्छी लगेगी ही, लेकिन आपको भी ये मूवी बहुत अच्छी लगेगी। आप ज़रूर जाइए और इसको थिएटर में ज़रूर देखिए। थैंक यू। ताज़ा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।